मेरे जिला अध्यक्ष मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, आदरणीय पवन शर्मा जी जो मेरे जिला अध्यक्ष है वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। मैं उनके पास जब गया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाओ चुनाव की तैयारी करो, चुनाव आप ही जीत रहे हैं, जो हुआ उसको भूल जाओ, जब तक जिला अध्यक्ष पवन शर्मा जी का आशीर्वाद है तब तक हमारे साथ सब अच्छा ही होगा, बुरा होने वाला। अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है आपके पास, जिला अध्यक्ष जी का और किसी का नहीं है, इसका मतलब है प्रेरित होकर मैं ये चुनाव की तैयारी की है और पूर्णता वो मेरे साथ है, मुझे किसी चीज आपने जो फैसला लिया इसमें भी साथ है क्या? हाँ, इसमें भी मेरे इस, जब मैं वहां बरेली गया था आशीर्वाद लेने के लिए, मैंने भाई साहब टिकट नहीं हो पाया, मेरा मन निर्दलीय चुनाव लड़ने का है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो वो ये बोले कोई बात नहीं आप अपनी तैयारी करो, हमारे लायक जो भी होगी सेवा वो मैं करूंगा आपकी। तो ये थे हमारे साथ में संतोष गुप्ता जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी होंगी, इनकी पीड़ा सुनी होगी, लेकिन लास्ट में इन्होंने एक बात कही है कि हमारे लिए जो आशीर्वाद है वो जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पवन शर्मा जी, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। तो मैंने इनसे कहा कि आपने जो फैसला लिया है निर्दलीय चुनाव लड़ने का इसमें भी साथ है, तो इनका कहना है कि इसमें भी हमारे साथ में। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार सर। सर नमस्ते सर, मैं सचिन शर्मा बोल रहा हूँ आई टुडे चैनल से। जी 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 सर, जानकारी लेनी है, एक जिला कार्यालय मंत्री हैं आपके यहाँ संतोष गुप्ता जी। जी जी, उनका मैंने एक इंटरव्यू लिया था कि, तो उनका ये कहना था कि मैं जो निर्दलीय जो मैंने नामांकन कराया है जी जी, उसके पीछे जो सहमति है वो पवन शर्मा जी जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे उनकी सहमति है, उनके कहने पर ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो क्या कहेंगे इस पे? सर आप तो काफी समय से मीडिया का काम कर रहे हो जी, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अधिकृत अपना प्रत्याशी घोषित करती है जी, जिला अध्यक्ष सही या कोई सही पूरी पार्टी उसी के साथ होती है, किसी निर्दलीय व्यक्ति के साथ होती है? जी 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 भाई, हमारा जो अधिकृत प्रत्याशी है प्रेमलता राठौर जी, भाई आवेदन उन्होंने भी किया, सबने भी किया, अब प्रदेश ने जिसका नाम फाइनल किया, क्योंकि जिले से नाम घोषित नहीं होते हैं भाई, नाम प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से प्रदेश घोषित करता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो प्रदेश ने अब जिसको भी घोषित किया वो हमारा प्रत्याशी है। तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये फिर? अब भाई जिला कार्यालय मंत्री है आपके, तो आपकी कमेटी में आपके जूनियर रहेंगे, अब अब जिसको टिकट नहीं मिलता उसको थोड़ा बहुत तो गुस्सा होती है, गुस्सा में वो तो, और गुस्सा किस पे फूटती है लास्ट में जाकर, जिला अध्यक्ष पे नहीं। अगर किसी का दुष्प्रचार अगर कोई कर रहा है मानो, या तो या तो आपने कहा है, तो आप जब उसके लिए नकार रहे हैं कि ऐसा नहीं मैंने कहा है, भाई मैं तो क्यों ऐसे 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 लोगों पे फिर कार्रवाई के लिए आगे बढ़िए। नहीं वो प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है अब, क्योंकि हमारे यहाँ कार्रवाई क्षेत्र प्रदेश करता है, तो वो सब जानकारी में अब निर्णय प्रदेश अध्यक्ष जी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हमारे लेंगे। तो आपने जानकारी में दे दिया है? हाँ हाँ हाँ, वो जानकारी में है।